चलो जल्दी करो। रसूल अल्लाह ने अर्ज किया है कि कैदियों की अच्छे से देखभाल हो। मेरे चाचा मेरे अब्बा बुरा हो मोहम्मद का, उसने हमारे साथ ये क्या किया। मेरे भाई मेरे चाचा मेरे अब्बा, कौन है जो अब हिंद का बदला लेगा, चाहे मेरा सब कुछ ले ले। चुप हो जाओ हिंद, तुमने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है, चुप हो जाओ। हमें तो भाई इब्ने रबिया का मातम मनाने दो, हमें तो भाई इब्ने रबिया का मातम मनाने दो। हम अपना बदला जरूर लेंगे हिंद, बस थोड़ा इंतजार करो। हमसा दुश्मन है, हमसा अगर वो मुझे मिल गया, मैं उसका पेट चीर कर उसका कलेजा चुपा जाऊंगी, इसी से ही मेरी प्यास बुझेगी। मेरे अब्बा, मेरे भाई और मेरा सबसे अजीज दोस्त उमेर इब्ने वहाब और उसका बेटा कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, और हमें उनका बदला लेना है, बदला लेना है सफवान। अल्लाह हमें तब तक खुशी नसीब ना होगी जब तक हम बदला ना ले लें। आज उसका दिन है, कल हमारा दिन आएगा। हाँ हाँ, कल हमारा दिन आएगा। लेकिन मुझे लगा था कि सिर्फ सरदारी ही कबीलों में बदलती है, अगर अपने लोगों के हाथ मरते तो कोई जिल्लत की बात ना होती। कि मेरे बाप को मारने वाला एक हमशी था, जो हमारा गुलाम था, हमारा सामान ढोता था, पानी लाता था, भेड़े चलाता था, उसके हाथों उनका कत्ल हुआ अबू सुफियान। मेरे अब्बा के साथ भी यही हुआ सफान, उनको मारने वाला कोई और नहीं अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। तुम दोनों के अब्बा को मारने वाले वो दोनों नहीं है जैसा तुम समझते हो, कि वो है जिसने तलवारें दी, जिसने राह चलते लोगों को सरदार बनाया। हमें बदला लेना है उस मोहम्मद से। तो मोहम्मद को अब ये लगता है कि इतनी कत्लो गैरत के बाद भी हम उस पर यकीन लाएंगे, ताकि जो लोग चले गए हम उन्हें दोबारा मार दें। ना वल्लाती, हमें उनकी इज्जत का ख्याल है और उनके बताए रास्ते पर ही चलेंगे। हम मोहम्मद के खिलाफ हैं और सारी जिंदगी उससे मुखालिफत रखेंगे। ये हुई ना बात। उसका राबता अभी हमसे नहीं हुआ या अबा सुलेमान, अगर तुम लोग वहां होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हमने अपने बड़ों को वहां भेजा जो ताकत में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने नौजवानों को भेजा जिसमें हमारे बेटे भी मौजूद थे। अब वक्त आ चुका है, मोहम्मद को हमारी ताकत का जल्दी पता चलेगा, बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास है खालिद, इकरिमा, सफवान और अम्र। काश तुम्हारा भाई अल वलीद
तुम्हारी तरह होता खालिद। वो खालिद की तरह दिलेर नहीं था, इसलिए तलवार फेंक कर खुद को उनके हवाले कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें अलवलीद? लोग कहेंगे अलवलीद का बेटा अलवलीद कायर है, क्या ये लोगों को बताना चाहते हो? जीते जी मैंने उनकी हर बात मानी, क्या मरने के बाद भी मानूं? बस बहुत हो गया, मुझे कसम है तुम्हें फौज के साथ भेज कर रहूंगा। तुम्हारी कसम का ख्याल है इसलिए फौज के साथ जा रहा हूं, मगर वल्लाही तुम इसके लिए पछताओगे। क्या कहा, मेरे अब्बा को बंदी बनाकर रखा गया है? उनकी नजर में मेरे लिए एक बुजदिली झलकती थी, मगर वो मुझसे भी ज्यादा कमजोर निकले। मैं वल्लाही आपने मुझे शर्मिंदा किया है सुहेल इब्ने अम्र। जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, थोड़ा आराम करो। अगर मुझे बाप और भाई के मरने का गम ना होता तो तुम्हारे महफूज लौटने पर मैं सबसे ज्यादा खुश होता। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम जिंदा वापस आओगे। यही सोचा होगा, मोहम्मद के सहाबाओं ने भी यही सोचा होगा। उनकी नजरों से बचकर मैं जमीन पर घिसटता हुआ निकल आया, लेकिन बेटा वो ये ना कर सका, उसको बंदी बना लिया। खैर है मेरे अब्बा जैसा हाल ना हुआ, उनका कत्ल उस हबशी गुलाम या जो उनके जूते के तस्मे के बराबर भी ना था। लेकिन हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे बेटे के लिए, फिक्र मत करो। अपने भाई अबुल हकम का मातम भी नहीं मनाओगे? क्या हो तुम लोग? तुम्हारे चचा हैं इकरमा, जिन्होंने अपने भाई का साथ ना दिया और उनके कातिलों के साथ जाकर मिल गए, वो किसी के चचा नहीं हो सकते। हमारा भाई अबुल हकम, उसने जो भी किया उसका जिम्मेदार वो खुद है। हमें इस बात का दुख नहीं कि वो जंग में मारा गया, उसने अपने लिए जो रास्ता चुना था उसका अंजाम यही होना था। अगर दुख है किसी बात का तो ये कि वो काफिर होकर मरा। इससे मुतालिक अल्लाह फरमाता है कि यार अजीज को तुम हक नहीं सिखा सकते। तुम्हारे अब्बा ने हमें जंजीरों से बांध दिया क्योंकि वो हमारे बड़े भाई होने के साथ साथ मखजूम कबीले के सुल्तान भी थे। लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है इकरमा? अगर हम तुम्हारे चचा लगते हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना है कि तुम भतीजे होने के नाते हम पर अपना रौब जमाओ, और दूसरी तरफ जैसा तुमने कहा, अगर हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें जंजीरों से बांध कर रखने का। मुझे अपने अब्बा की बातें और मखजूम कबीले का ख्याल है। मेरा नजरिया कुछ भी हो लेकिन तुम लोग मखजूम कबीले से ही हो, तो जान लो तुम पर भी वही कानून लागू होता है जो बाकी भगोड़ों पर हुआ है। ये तुम क्या करने जा रहे हो विक्रमा, क्या करने जा रहे हो? रसूल अल्लाह ने तुम्हारी रिहाई के बदले फिदिया लेना मंजूर किया है, जो जैसे चाहे वो दे सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना लिखना जानता है वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा सकता है, यही फिदिया होगा।
तुम हमें अच्छा खाना दे रहे हो, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। अगर रसूल अल्लाह के कहने पर तुम ये सब कर रहे हो तब भी, इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ ना खाओ। हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने नबी के साथ हैं। अगर ऐसा ही है, वो थोड़ी यत्री की खजूरें भी। ये सब क्या कर रहे हो? फिदिया चाहिए अबू जंदल। फिदिया? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे अब्बा को बंदी बना लिया गया है? तुम उनका माल ले आओ और फिदिया अदा कर दो। 4,000 दरहम ये रकम मांगी है मोहम्मद ने तुम्हारे अब्बा को छोड़ने की एवज में। इससे तो अच्छा होगा मैं अपने अब्बा की बात मानूं। क्या कहा? सारा अरब जानता है कि मुझसे ज्यादा वफादार कोई और बेटा पूरे अरब में नहीं है। हालांकि मेरा दीन अलग है, वरना तो मैं भी अपने भाई की तरह ही करता। मुझे रसूल अल्लाह और उनके सहाबों के साथ हिजरत करने से रोका और कसम दिलाई, तो उन्हें हाजिर मानते हुए उनकी उस कसम का एतबार करता हूँ, हालांकि अब वो नहीं है। इसके अलावा मैं उन्हें कैद में नहीं देख सकता, और ना ही मुझे मंजूर है कि रसूल अल्लाह मुझे उनकी फिदिया ले जाते हुए देखें, जबकि मुझे जहां मौजूद रहना था मैं नहीं था। वल्लाही मैं नहीं जानता मेरे अब्बा ने माल कहां रखा है। तो अब तुम चाहो तो मेरे पैरों को बांध दो, मैं कसम नहीं तोड़ सकता। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने उन्हें धोखा दिया और वो मोहम्मद के साथ जाकर जंग लड़ा। वो अब यत्रिब में है और उन्हें कैद में देख रहा है। वल्लाही तुम उसके मंसूबों को पहले से ही जानते थे, लेकिन तुमने इसे अपने अब्बा से छुपाया। कितने बुरे बेटे हो तुम दोनों ही। अगर करती भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने हम पर पहले ही इतने जुल्म किए हैं, उन लोगों की जायदाद यही है और हम उन्हें हथिया सकते हैं। कभी कभी मालिक मुझे सही आलम, कभी कभी मुझे मेरा मालिक सही इंसान मालूम होता है। जब वो नाराज नहीं होता, उसे मेरे खात का खाना बनाया पसंद है और ये मैंने खुद बनाया है। मैं वाकई अच्छा खाना बनाती हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हारा ये बड़ा पेट कभी खाली नहीं रहने दूंगी। और किससे भरोगी इसको? ऊंट के गोश्त से जो हमारे बाप दादा जायदाद में छोड़ गए हैं। कितने नाशुक्रे हो तुम। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह उड़ते परिंदों को भी रिज़्क देता है? वो सुबह को खाली पेट उड़ जाते हैं और रात को भर पेट वापस लौटते हैं। ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? क्यों परेशान हो? ऐसा लगता है कि बद्र में कत्ल होने वालों का गम हमारे लोगों के साथ तुम भी मना रहे हो। ना तो मुझे उनके मरने का कोई गम है और ना मोहम्मद के जीतने की कोई खुशी। क्या तुमने बिलाल के बारे में? हाँ, मुझे पता है उसने अपने मालिक उमैया का कत्ल किया है। क्या बात करते हो, वो बहुत वक्त से उसका गुलाम नहीं है। और वैसे भी जमाना बदल गया है, जो पुराने गुलाम थे वो मालिक बन चुके हैं और उन्होंने अपने मालिकों का कत्ल कर दिया जो अब कब्र में है। तो बताओ तुम क्या कहते हो? Thank you.
मिक्रिस, मेरे दोस्त, मेरे भाई। लेकिन तुम मक्का क्या करने आए हो? क्या कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारा दोस्त मिक्रिस इब्ने हफ्स रसूल अल्लाह से मिला था फिदिया के सिलसिले में। तुम जानते हो इसके पास माल और दौलत नहीं है। ये तुम्हारी जगह यहां बंदी बनकर रहेगा जब तक कि तुम मक्का जाकर अपने लिए फिदा लेकर वापस नहीं लौटते। इसके बाद मान ली है रसूल अल्लाह ने। तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया मेरे भाई? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तुम भी यही करते। इसलिए अब बिल्कुल देर ना करो, मैं ज्यादा दिन यहां बंदी बनकर नहीं रह सकता। तुम वाकई बहुत अच्छे हो मिक्रेस। हाँ वो है, और मेरा मानना है कि जिस इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियां हो, बाखलाक हो, बादब हो, वो मुशरिक नहीं हो सकता। अल्लाह उसकी नेकियों के बदले में उसको इस्लाम में दाखिला दे। इस जैसा इंसान मुसलमान होने का हकदार है। और जहां तक तुम्हारी बात है सुहेल, वल्लाही मैं नहीं चाहता कि तुम मक्का सही सलामत वापस लौटो, क्योंकि रसूल अल्लाह के बारे में तुमने बहुत गलत ज़बानी की है और खुद को शैतान की ज़बान बना लिया है। मैंने रसूल अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि तुम्हारे सामने के दांतों को तोड़ दूं ताकि तुम्हारी जीभ बाहर लटक जाए और तुम रसूल अल्लाह के बारे में फिर कभी गलत ज़बानी ना कर सको। तुम वैसे ही हो उमर, उनका जवाब नहीं सुनोगे? फरमाया, जो भी मैं उसके साथ करूंगा वो मेरे साथ भी होगा, हालांकि मैं नबी हूं। वाकई ऐसा कहा? कुछ और भी कहा जिसके बारे में मैं सोचता रहा। शायद तुम इस बात को समझोगे और अमल भी करोगे अगर बेहतर लगे तो। कहा कि उसे ऐसे मुकाम पर देखोगे जहां तुम्हें खुशी मिलेगी। अब जाओ, मैंने तुम्हारे सफर के लिए एक ऊंट का इंतजाम किया है। और इसकी कीमत? कोई कीमत नहीं है, मैं फिदिया के साथ ले आऊंगा। जहाँ तक माल की बात है, मैं अपने भाई की रिहाई के लिए ये फिदिया देने को तैयार हूँ, लेकिन जर्रे बख्तर की बात क्यों? उमर, तुम क्या नहीं जानते कि वो हमारे अब्बा की विरासत है और ये वलीद इब्ने अल मुगीरा के घर की शान है। बहस करने का कोई फायदा नहीं है खालिद, रसूल अल्लाह के हुक्म पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। जाओ माल के साथ वो जर्रे बख्तर भी लेकर आओ, अगर तुम अपने भाई को छुड़ाकर मक्का वापस ले जाना चाहते हो तो। क्या तुम मोहम्मद से इसकी सिफारिश नहीं कर सकते? तुम गलत समझ रहे हो खालिद, वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। कि इस मसले पर कुछ कहना होता तो मैं तुम्हारे भाई के बदले और ज्यादा फिदिया मांगता। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे अब्बा कितना माल पीछे छोड़कर गए हैं। क्या तुम हमारी पुरानी रिश्तेदारी और दोस्ती का ख्याल भी नहीं रखोगे? अबू जहल मेरा मामू जरूर था, लेकिन उसकी मौत से पहले भी मैं उसका शदीद दुश्मन था। अब जाओ, बिल्कुल भी देर ना करो, मैं अपने बाप के जर्रा बख्तर बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि अल वलीद तुम्हारी माँ से पैदा नहीं है। मेरे बाप का जर्रे बख्तर, वल्लाही इस बात से बहुत खफा हूँ। हमारे बाप का जर्रे बख्तर, वो सिर्फ तुम्हारे अब्बा नहीं थे? वल्लाही मैंने जर्रे बख्तर सिर्फ इसीलिए दिया ताकि लोग हमें लेकर बातें ना बनाएं। तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते? तुमने तो खुद बंदी बनने का फैसला किया था, सभी लोग जानते हैं कि तुमने जंग में हथियार डाल दिए थे। मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मुझे जंग में भेजा था, मैंने खबरदार किया था। हाँ,
कि मैं इसका अफसोस करूंगा, लेकिन मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े बुजदिल निकलोगे, जबकि तुम अलवलीद इब्ने मुगीरा के बेटे हो और खालिद इब्ने अलवलीद का भाई। मैं बुजदिल नहीं हूं। तो क्यों तुमने किसी से लड़े बगैर हथियार डाल दिए? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कभी भी रसूल अल्लाह की मुखालिफत नहीं की? रसूल अल्लाह? तुमने कहा रसूल अल्लाह? मैंने उनके सहाबाओं को कई बार कहते सुना, वल्लाही वो हक बात करते हैं। और फिर मैंने अपने अब्बा को उनकी सिफत करते सुना, और फिर सब ने यही कहा कि वो सारी मखलूकात में सबसे अव्वल हैं। उसके बाद भी वो मोहम्मद की मुखालिफत करते रहे। वो हक के रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन उनका तकब्बुर और रुतबे और रसूख के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर बताओ कौन सही है, जो हमेशा सच बोलता है वो, या वो जो हक जानने के बाद भी उसकी मुखालिफत करता हो? मैं इस्लाम को अपनाना चाहता था, लेकिन हिचकिचाहट में पीछे हट गया। मैंने सोचा जो भी अल्फाज अब्बा ने उनके कलाम के बारे में कहे हैं वो उनके शैतान पर हावी हो जाएंगे, और अपनी रहनुमाई में वो हमें रसूल अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, और इस तरह अब्बा की मोहब्बत को खोए बगैर मैं नबी की सोहबत भी हासिल कर लेता। लेकिन कैद में रहने के बावजूद मैंने मुसलमानों के अखलाक देखे और मुझे सच का पता चल गया। बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं और मैं मुसलमान हूँ। क्या तुम ये बात पहले जाहिर नहीं कर सकते थे? ने अब्बा का जरिया बख्तर भी उनके हवाले कर दिया। मैं पहले से ये जाहिर नहीं करना चाहता था जब तक कि फिदिया ना दे दूं। मैं कुरैशों को ये मौका नहीं देना चाहता था कि वो कहें कि फिदिया ना देने पड़े, इस वजह से मैं मुसलमान हो गया। ये ले ले अब्बा जी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तो आपकी कसम से ही बंदा था, आपने ही तो मुझे कसम दी थी कि मैं यत्रिब न जाऊं। वल्लाही अगर तुम्हें जाना होता तो तुम मेरी कसम का भी ख्याल ना रखते, लेकिन मुझे आपके पैसों का भी नहीं पता था। तुम्हारे गम करने से बद्र में गए लोग वापस नहीं आ जाएंगे? उनके चाहने से जिंदगी वीरान हो गई है। वल्लाही अगर मैं तुम्हारे दिए कर्ज तले दबाना होता और अपने बच्चों को खो देने का डरना होता तो मैं मोहम्मद को कत्ल किए बिना नहीं छोड़ता। हालांकि मेरे पास वहां जाने का एक बहाना भी है, मेरा बेटा उसकी कैद में है। जो भी तुमने कहा क्या वो वाकई करना चाहोगे? हाँ, तो आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्ज मेरा कर्ज है, मैं उसे चुका दूंगा। और जहां तक बच्चों की बात है, मैं उनका ख्याल रखूंगा। मैं उन्हें वो हर चीज ला कर दूंगा जो वो चाहते हैं। तो इसे अपने बीच ही रखना, लेकिन मुझे डर है तुम उसे कैसे मारोगे और कैसे फिर वहां से बचकर आओगे। जो दुश्मन की मौत को अपने से ज्यादा तरजीह देता है वही बहादुरी का काम करता है। मगर फिक्र ना करो, मैं चाल तब चलूंगा जब हम अकेले हों। अपनी तलवार को सारी रात जहर में रखूंगा, हल्का सा वार भी काफी होगा। अब तुम यहां बैठकर इन लोगों का साथ दो। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो या सफवान? वल्लाही बद्र के बाद से आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। वल्लाही बहुत जल्द मैं तुम्हें एक ऐसी खबर दूंगा जिसे सुनने के बाद तुम बद्र का हादसा भूल जाओगे। तो ये कैसे मुमकिन होगा? हम सारे तो मक्का में ही मौजूद हैं। मेरी बात पे यकीन रखो
और मुझसे तफसीलात ना मांगो। ये तो अल्लाह का दुश्मन है उमेर इब्न वहाब, जरूर किसी शैतानी नियत से यहाँ आया है। इसी ने बद्र के दिन अपनी कौम को हमारी तादाद से आगाह किया था। क्यों आए हो? अंत सबा या उमर, अल्लाह ने हमें इससे बेहतर सलाम दिया हुआ है, क्यों आए हो? बेटे के सिलसिले में आया हूँ जो यहाँ कैद में है। मोहम्मद से उसकी रिहाइश की गुजारिश करूंगा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिर ये तलवार क्यों लाए हो? इसके होने से भी क्या, कोई फायदा तो हुआ नहीं। या उमर, रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी है, आने दो। जाओ रसूलुल्लाह के साथ ही बैठना और इस शैतान पर नजर रखना, मुझे इसका एतबार नहीं। सफवान, जो तुमने कहा था हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ही उम्मीद है, सुबह या शाम में, कभी भी हो सकता है। ये मैंने क्या किया तुम्हारे साथ सफवान इब्ने उमैया? उमैर, अबू वहाब, आखिर तुम? तुम्हारी हिफाजत से लौटने पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिल पा रही थी, मैं तो फिक्र के मारे मारा ही जा रहा था। हाँ बताओ, सब्र की आजमाइश ना लो। मैं भी क्या पूछ रहा हूं, अगर तुम कामयाब होते तो ये खबर तुमसे पहले मेरे कानों तक पहुंच जाती और सभी को मालूम हो जाता। दिल छोटा मत करो, मैं जानता हूं तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। वो इंसान अपनी साहबाओं की निगरानी में पूरी तरह महफूज है, इतना ही काफी है कि तुम महफूज हो, वरना तुम्हें खो देने का मुझे सारी जिंदगी मलाल रहता। आओ आओ मेरे साथ। सुनो, जरा बढ़िया खाने पीने का इंतजाम करो अबू वहाब। मुझे भूख नहीं है अबू मैया। क्या बात है उमेर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुस्लिम हूं या अबा उमैया, इससे अच्छा होता कि तुम मर जाते उमेर। मेरे भाई या अबा उमैया, वल्लाही वो इंसान नबी है और उसका दीन हक पर है। जो हम दोनों ने मिलकर मंसूब किया था वो उन्होंने हमें तफसीर से बताया। तुम अच्छे से जानते हो इस मंसूबे में कोई और शामिल नहीं था सिवाय अल्लाह के, जिसने नबी को बताया। मोहम्मद ने तुम पर जादू कर दिया है जैसे दूसरों पर किया। जब तुमने उसका दीन मान ही लिया था तो मेरे पास ये बुरी खबर लेकर क्यों आए?
क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। अगर मुझे हक का पता लगे और भलाई मालूम हो तो तुम्हें क्यों ना बताऊं। तुमने हमेशा मेरी माली तौर पर मदद की है और इसी बहाने शायद मैं तुम्हारे कुछ एहसान चुका सकूं। वल्लाही मुझे इससे बेहतर कुछ भी नहीं लगा कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दूं। अगर तुम मानो, क्या ही बुरी पेशकश की है तुमने। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वल्लाही सारी जिंदगी में अब तुमसे बात नहीं करूंगा और फिर तुम्हें मुझसे कुछ हासिल भी नहीं होगा। जान लो, अब हम हमेशा के लिए जुदा हो गए। वल्लाही जाहिलियत के दौर में मैं एक शैतान था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर रहम करके मुझे मुसलमान बना दिया। मैंने हक को जान लिया है और झूठ को छोड़ दिया। या माशरा कुरैश, मैं मोहम्मद के कत्ल के इरादे से गया था। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो मुझे बचाने में ज्यादा फिक्रमंद थे जितना कि मैं उन्हें मारने के लिए। उससे भी ज्यादा वो मेरे साथ भलाई करना चाहते थे जबकि मैं उनका बुरा चाहता था। जब मैंने हक को जान लिया और उस पर यकीन किया तो मैं मक्का वापस लौटा। तो अब मैं हर उस जगह खड़ा रहूंगा जहां मैंने रसूल अल्लाह की मुखालिफत की है। तो अब मैं इस्लाम की दावत दूंगा और इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगा। ऐसा करके अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श देगा और मुझे माफ करेगा। वल्लाही तुम्हें नबी से दुश्मनी रख के कुछ हासिल ना होगा। मैं अपने लोगों को भी हक की दावत देता हूँ। वल्लाही तुम्हारे बीच से उन्हें चुनकर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी है ताकि सबसे पहले वो तुमसे मुखातिब हो। तो क्या बुरा होगा कि सब लोग उन्हें माने और तुम महरूम रह जाओ। क्या ही बुरी कौम हो तुम नबी की, क्या ही बुरी कौम हो तुम जब तक के तुम ईमान नहीं ले आते। चले जाओ यहां से, अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारी दावत का मुंह काला करे। चले जाओ अबू वहब, हम तुम्हारी दावत को अभी के अभी यहीं ठुकराते हैं। तुमसे बेहतर इंसान ने हमें दावत दी, हमने तब भी कबूल नहीं की। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से। ये बेवकूफ हमारी जगह आकर हमें ललकार कर चला गया और हम कुछ ना कर सके। वल्लाही मैं इसकी छाती में तलवार उतार दूंगा। इकरमा, वल्लाही ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम जानते हो ना उसने क्या कहा? हाँ, मैंने उससे एक वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगा। या अबा सुफियान, अब तुम हमारे ही नहीं बल्कि पूरे कुरैश के सरदार हो। तुम जानते हो कि बद्र के बाद हमारी जिंदगी गमगीन हो गई है। जिन लोगों ने हमारे लोगों को कत्ल किया है, अगर हमने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो अरबों के बीच हमारी साख कम हो जाएगी और वो हमें कायर समझेंगे। हर कबीला हम पर हावी होने की कोशिश करेगा। तो तुम क्या कहते हो? क्या इसमें भी दो राय हो सकती है? सारे मक्का में किसी के घर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मेरा। अब्बा, चचा, भाई, अगर तुम हमारा बदला नहीं ले सकते तो घर में औरतों की तरह बैठ जाओ और फक्र और बड़ाई का दावा ना करो। अपनी बीवियों से अलग कोई और बिस्तर ढूंढ लो। वल्लाही अगर तुमने मोहम्मद का सामना ना किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम बनू तारिक की बेटियां हैं जो मखमल पर कदम रखती हैं। बहादुर हो तो गले से लगाएंगे, कायर हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और जर्रा बराबर भी हमसे मोहब्बत ना मिलेगी। हमने मोहम्मद और यत्रिब के लोगों से जंग का ऐलान किया है ताकि हम बद्र में अपने मारे गए लोगों का बदला ले सके। तुम
नेजे के इस्तेमाल के माहिर हो, आज तुम्हारा दिन है। हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। बद्र में हमारे बहुत लोगों का कत्ल किया, जिसमें हमारे चचा तुएमा इब्न अदी भी थे। अगर तुमने जंग में उसे कत्ल कर दिया तो तुम आजाद हो। और अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम्हें मिलेगा ये और ये भी। वल्लाही मोहम्मद से लड़के तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरा लेना देना मेरे मालिक से है और मैं लड़ने तो नहीं जा रहा। कत्ल करने जा रहा हूं, बस एक इंसान और किसी से कोई लेना देना नहीं, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। अगर उसे मारता हूं तो आजादी मिल जाएगी। आखिरकार आजादी, मैं जो चाहूं वो करूं, जिससे चाहूं उससे मिलूं, जो पसंद हो उससे निकाह करूं। पागल हो, तुम्हारे और उनके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे और हमजा के बीच कुछ तो है। लोगों की नजर में मैं हमजा के सामने कुछ भी नहीं। वल्लाही मुझे उससे इतनी नफरत नहीं जितनी मैं अपने मालिक से करता हूं, मगर अब वो मेरी आजादी का सबब बन गया है। ना छोड़ें, हम वहां हिफाजत से हैं। अगर वो हमारे शहर में घुसेंगे तो हम उनसे जंग करेंगे, मगर उन्होंने मेरी राय ना मानकर छोटों को तरजीह दी तो भला क्यों उनकी बात मानकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दें। मैं अपने लोगों को साथ लेकर यत्रिब लौट रहा हूं। अगर तुम्हारी यही राय थी तो तुम हमारे साथ आए ही क्यों थे? ना वल्लाह, तुम लोगों को डराकर उनके दिल में वसवसा पैदा करना चाहते हो। सुनो मेरे लोगों, अगर हमें पता होता कि हमें जंग लड़नी है तो हम कभी ना आते। हमारा ख्याल था कि जंग ना होगी। दुश्मनों का सामना होने से पहले ही अल्लाह ने पाक को नापाक से जुदा कर दिया। ये अच्छा ही हुआ। चलो अब अपनी राह पकड़ो, अल्लाह हमारे साथ है। अपनी राह पकड़ो। यहूद के लोगों, वल्लाही ये हमारा फर्ज है कि हम मोहम्मद की मदद करें। वल्लाही उन्होंने तुम्हारे साथ मुआयदा किया है और उसमें इंसाफ ही किया है। दुश्मन आ गए हैं और वो उनसे मुकाबला करने के लिए निकल चुके हैं, तो अब ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। वल्लाही हम नहीं जानते कि तुम मुस्लिम हो या यहूद हमारी तरह। मैं यहूद हूँ जो वादा खिलाफी नहीं करता और इंसाफ पसंद है, और जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी तरीके से निभाता है। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, अपने से ज्यादा मुझे तुम लोगों का ख्याल रहता है। अकलमंद उसी को कहते हैं जो कल के फायदे के लिए आज कुछ काम करे, ना कि आज के छोटे फायदे के लालच में और किसी छोटी चीज के लिए बड़ी कुर्बानी कर दे। आज हफ्ते का दिन है और इस दिन वैसे भी हम लड़ाइयां नहीं करते। इसके अलावा मोहम्मद ने हमें जंग में शामिल होने के लिए कहा ही कब है? कोई हफ्ते का दिन नहीं है। अपने वादे के मुताबिक मैं उनका साथ देने के लिए जा रहा हूं।